जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसको शॉर्टकट में हम लोग जीवीके पावर के नाम से जानते हैं। शुरुआत शुरू से करेंगे, पहले काम के बारे में समझेंगे, फिर फंडामेंटल का एनालिसिस करेंगे और फिर अंत में टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पता करेंगे कि शेयर में पैसा लगाना सही रहेगा या नहीं, या जिन लोगों ने पहले से इसमें पैसा लगाया हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे अभी आज मार्केट चूंकि बंद है तो यहाँ पर 4.5% के आसपास गिरावट जो देखने को मिल रहा है, ये पिछले दिन की गिरावट जब मार्केट ओपन थी तब की गिरावट है। लंबी अवधि में इसमें क्या गिरावट चल रहा है या तेजी आने के संकेत है, सब हम लोग आगे चार्ट पर समझेंगे। पहले काम के बारे में बात करते हैं, कंपनी काम क्या करती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अबाउट पर। अबाउट सेक्शन ये बताता है कि कंपनी क्या कामकाज करती है। तो यदि हम लोग इस कंपनी के काम की बात करें तो बेसिकली कंपनी क्या करती है कि एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराती है जिसमें ये जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो एयरपोर्ट्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कराती है, उनको कोई मेंटेनेंस या सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, तो ये सब काम ये कंपनी एक थर्ड पार्टी के रूप में करती है। अभी काम सब कोई नहीं कर सकते, किसी को काम कराना है तो थर्ड पार्टी को उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और उस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब हम लोग सीधे चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल पर। तो फंडामेंटल में देखेंगे तकरीबन 700 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैप लिहाज से कंपनी एक ठीक ठाक कंपनी लग रही है। स्टॉक का पीई भी काफ़ी कम है, लेकिन पीई पर मत जाइए क्योंकि पीई कम है इसका ये मतलब नहीं कि हमें इसमें पैसा लगा देना चाहिए, और भी चीज़ों को हम लोग इसमें देखना और समझना होगा। स्टॉक का जो शेयर प्राइस है इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा ये बढ़िया बात है, हालांकि बुक वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये माइनस में चिंता की बात है। इसलिए यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो इसका कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हालाँकि जब हम लोग आगे चार्ट पर समझेंगे तो ये बात स्पष्ट होगा कि इसमें तेजी बनेगी या नहीं बनेगी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी उतना इस मामले में मायने नहीं रखता। चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको चार्ट पर। एक्सेल का चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है और एक्सेल के चार्ट पर आप देखेंगे ये नवंबर 2022 का एरिया है। यहाँ से देखेंगे तो ये जुलाई अगस्त तक मान लें तकरीबन एक कंसोलिडेशन रेंज में ये स्टॉक घूम रहा था, दो प्राइस के बीच में इस स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा था। और मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ जितनी लंबी कंसोलिडेशन होगी, कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होगा तो उसमें उतना ही लंबा तेजी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ अगस्त में और देखेंगे इसके बाद इस कंपनी का प्राइस तकरीबन 5 रुपये 5.5 रुपये तक आपको जाते हुए दिखा। अभी क्या चल रहा है कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको डाउन करूँ तो आप देखेंगे 5 रुपये तक जाने के बाद इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से भी आया क्योंकि यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस के पास जाकर इसने अपना रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा 4 रुपये तक आ सकता है और उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट मारकर प्राइस ऊपर उठेगा, तो हो सकता है 5 रुपये से भी इस बार ऊपर निकल जाए। तो जिन लोगों ने चार्ट को, जिन लोगों को पढ़ने आता है समझने आता है, उन्होंने यहाँ पर बहुत पैसा बनाया होगा। जो लोग पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे और डर के निकल गए होंगे प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उनका यहाँ पर लॉस हो गया होगा। तो देखिए शेयर मार्केट में यदि आप काम करते हैं तो पेशेंस रखना आपको काफ़ी ज़रूरी होता है, पेशेंस से यहाँ पैसा बनता है। अब देखिए अभी आपको क्या करना है कि थोड़ा सा प्राइस अभी नीचे आ रहा है, आने दीजिए, जितना नीचे आ रहा है आने दीजिए। नीचे आकर जब फिर रिट्रेसमेंट मारकर थोड़ा सा प्राइस ऊपर निकलने लगेगा वहाँ पर आप एंट्री बना लीजिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए ही बनाइएगा लेकिन एंट्री बना लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट से ये पता लगता है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट पर। क्वार्टरली रिजल्ट पर सबसे पहले हम लोग कंपनी का सेल्स देख लेते हैं। सेल्स जो जून क्वार्टर रिजल्ट आया है, जून क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखाया कि नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे 500 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है। हालांकि उसके पहले अच्छे खासे कंपनी के सेल्स होते रहे लेकिन अभी गड़बड़ा गए थे, लेकिन अभी जब जाकर जून क्वार्टर में सही आया तो क्या शानदार ब्रेकआउट हुआ है चार्ट पर। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है और सॉरी सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी देख लेते हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं कंपनी का। तो ये रहा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो पहले कंपनी लॉस में थी लेकिन अभी बढ़कर 275 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में आ गई। हालांकि उसके पहले कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में थी। देखिए फंडामेंटल देखें धीरे धीरे मजबूती हो रहा है कंपनी का, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी का जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है वो प्लस में है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं फंडामेंटल मजबूत हो रहा है, जिस हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आपको देखने को मिल रही है और फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहेगी। तो जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने बताई मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है जो मुझसे छूट गया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और यदि ट्रेडिंग करके रेगुलर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप एंजल होना एम स्टॉक में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।